लॉजिक्स पे हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे नंबर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो जो जिनको ब्राजील में रिलीज हुई वहां की लोकल लैंग्वेज में, तो मैं वहां पर उसको लॉन्च करने गया। तो जब मैं वहां पर बात कर रहा था कि मैंने ये बात एक बार पहले भी शेयर किया आप क्या, मैं जब बात कर रहा था कि यदि किसी को डायरेक्ट सेलिंग करना हो, यदि किसी को डायरेक्ट सेलिंग करना हो तो पैदा होने के लिए यदि भगवान बोले अपना देश चुन ले पैदा होने का, अपना टाइमिंग चुन ले पैदा होने का, तो मैं बता रहा हूं यदि किसी को पूरी चॉइस पहले से मिले तो वर्ल्ड में जिसको भी डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति अरबपति बनना है वो इंडिया छोड़ के एक देश में चुने। क्यों? ये मैं लॉजिक से बताऊंगा, नंबर के साथ बात करूंगा क्या नंबर चल रहे हैं 2019 में, ग्लोबल नंबर क्या है, जिससे कि आप जब बात करें ना आप नंबर से बात करें, आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें और वो बोले अरे बहुत सारी कंपनी है, अरे पूरा मार्केट सैचुरेट हो गया है, तो आप उसको मोटिवेट इंस्पायर करें, ठीक है गेम है। लेकिन जब आप उसके सामने नंबर रखते हैं कि देखिए ये मार्केट की स्थिति है, ये सिचुएशन, तो मैथ्स को हराया नहीं जा सकता। इमोशन तो आज अप है और कल डाउन है, लेकिन मैथ्स हराया नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूं आप नंबर्स पे बात करें, आप लॉजिक्स पे बात करें, आपके बात करने के तरीके में एकदम प्रोफेशनलिज्म आ जाए, ऐसा लगे आप एकदम अपग्रेडेड है, आपको दुनिया भर में लेटेस्ट क्या हो रहा है कहां हो रहा है मालूम है। तो क्या आप आंकड़े लेने के लिए तैयार हैं? yes! पक्का yes! ये दो चार कहानी और सुनाओ इन्हें आंकड़े के लिए तैयार है yes! ये लाइट मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा नीचे आ जाता और यहां पे प्रेजेंटेशन वन दे देंगे प्लीज। प्रेजेंटेशन वन स्क्रीन पे दे दीजिए। तो बहुत सारे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले नहीं सुना है, अच्छा लाइव पहली बार सुन रहे हैं, डेड पहले भी सुने, अच्छा वीडियो में देखे, ठीक है ओके। सो देयर अ गुड नंबर, ठीक है मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो कहां है स्क्रीन पे आ जाए प्रेजेंटेशन, नहीं इस पे बड़ी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, नहीं है यहां पर कहीं देख लीजिए। तो साथियों हम लोग बिजनेस में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जब बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्टेंसी देते हैं तो जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लाना चाहती है या ग्रोथ की बात करती है तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल का कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली उसका मार्केट में कितना पोटेंशियल है और वो ऊपर ऊपर में जाके कहां तक जा सकता है, उसको कहते हैं मार्केट पोटेंशियल। तो जितने भी लोग ऐसा समझते हैं कि दुनिया सैचुरेट हो गई है, जितने भी लोग ऐसा समझते हैं कि देश सैचुरेट हो गया है, जहां पर भी जाओ कोई ना कोई कंपनी है, हर किसी के पास कोई ना कोई पहुंचा हुआ है, कितने लोगों को ऐसा लगता है? एकदम ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, है ना। मुझे मालूम था मेरे पहले मदान साहब है तो ये पूरा इंस्पायर करके चार्ज करके रखे रहेंगे आपके बैटरी, ठीक। तो मैं सीधा लॉजिक पे आ गया इसी, हाँ बोलिए। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है सही में कि मार्केट में सैचुरेशन है? अरे आगे आगे आपके चीफ बैठे हैं इसलिए हाथ भी उठा रहे हो डर के मारे, अभी उनका फ्रीडम है वो नहीं देख रहे हो। तो साथियों मैं आपको बताता हूं पहले क्यों इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन। देखो जोड़ो जोड़ो जी तो अलग अलग देश में लॉन्च होती है, मुझे वहां जाना पड़ता है और हर किसी का सवाल रहता है सर इंडिया में कैसे लेके जाए, इंडिया में कैसे लेके जाए। तो मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। और ये जो बात मैं बता रहा हूं यदि आपने अपने कम्युनिकेशन में इन बातों को शामिल कर लिया तो आप दूसरी कंपनीज के एसोसिएट से डिस्ट्रीब्यूटर से इमीडिएटली अलग हो जाएंगे क्योंकि आपकी बात करने में एक सर्टेन लेवल होगा, एक सर्टेन क्लास होगा। आप नॉर्मल बातें नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बहुत स्कोप है, लोगों को ऐसी गाड़ी आ गई वैसी गाड़ी आ गई, ये सब ठीक है, ये हर कोई बात करता है। बी मोर ऑथेंटिक, बी मोर ओरिजिनल, बी मोर लॉजिकल, हैव मोर नंबर्स इन योर प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बताता हूं क्यों इंडिया सबसे सुपर इंडिया, और सेकेंड मैं क्यों कह रहा हूं
कि नेटवर्क मार्केटिंग तो पैदा भी नहीं हुई है, न्यू बॉर्न बेबी है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1.5-2 हजार लोग बैठे हैं और कुछ लाख डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कंपनी में है और कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। अरे मैं बोल रहा हूँ, पेट में है शिशु, पैदा भी हुआ है कि नहीं इसमें भी श्योर नहीं हूं मैं अभी तक, इतना स्कोप बाकी है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको नंबर से प्रूव करूंगा, मैं नंबर वाला आदमी, तो मैं आपको नंबर से बताता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले आप चीज समझिए, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट कब सक्सेसफुल होता है, तीन कारण से। कारण एक, उसके मार्केट में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आज की डेट में आप एसपीडी पीसीओ खोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? भले आप 5 पैसे में फोन लगवाए तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, खत्म। तो पहला रूल ये है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यदि मार्केट में देखो, यदि डायबिटीज की दुनिया की सबसे रामबाण दवा भी आप निकाल लो, लेकिन जिस ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो उसमें एक भी डायबिटिक नहीं है ना, उसके लिए वो कूड़ा बराबर है। Am I right? Yes. क्योंकि वहां पे किसी को डायबिटीज नहीं है, और यदि वहां पे डायबिटिक लोग बैठे तो उसके लिए वो सोना और हीरा है, वो कूद के लेंगे। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी ये कहती है कि यदि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो दुनिया का सबसे कीमती प्रोडक्ट भी यूजलेस है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि MLM की डायरेक्ट सेलिंग में जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है उसकी क्या पोजीशन है, मार्केट में उसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, यदि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है लेकिन आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो राइट प्रोडक्ट कैटेगरी का है कि नहीं। मान लीजिए बुगाटी कार है, वो 8-10 करोड़ से स्टार्ट होती है, वो इंडिया में आ भी जाए तो 25-50-100 पीस बेच के निपट जाएगी। इंडिया प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, यहाँ पे 3 लाख से 10 लाख की कारें सबसे ज्यादा बिकती है। तो कार की कैटेगरी हो सकता है 1 लाख से शुरू करके 50 करोड़ तक जाए, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी बिकेगी? 3 से 10 लाख, है ना। तो सेकेंड बात है राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। पहला मार्केट में अपॉर्चुनिटी होनी, देखो गहरी बात कर रहा हूं, बहुत समझना, क्योंकि जब ये सब बातें आप मार्केट में करोगे ना, आपके सामने कितना भी एजुकेटेड प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं हो, आइदर वो आपको ज्वाइन करेगा या वो बोलेगा बंदा नॉलेजेबल है और यार इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसके ऊपर बिलीफ करना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक से बात करता है, ठीक है। तो पहली चीज मार्केट विद अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीज राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे या देखेंगे कि IMC का प्रोडक्ट राइट कैटेगरी में है कि नहीं, आप इस प्रोडक्ट से जो अपना भविष्य जोड़ के रखे हुए आपने सही किया है कि नहीं किया, ठीक है, वो हम देखते हैं। और तीसरी चीज, पॉकेट फ्रेंडली साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट। पॉकेट फ्रेंडली मतलब बजट में हो, इस प्रोडक्ट को पॉकेट अलाउ करे, रीजनेबल प्राइस का हो। और हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या, हमको कम पैसे में ना कम में दम चाहिए, तो पैसा चाहिए कम, प्रोडक्ट में चाहिए दम। तो पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट, यदि ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोडक्ट को डिफीट नहीं कर सकती, मार्केट में डिफीट नहीं कर सकती। आप चाहे कितना भी स्केल कर जाइए, अपर लिमिट कुछ नहीं। तो आइए समझते हैं क्यों हमारा देश बेस्ट है। बिकॉज मेरी प्रॉब्लम क्या है कि इतना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, मैं नहीं चाहता उस प्रोडक्ट के साथ सॉलिड डायलॉग्स ना आए। मोटिवेशन एक साइड है, आप जो कहानियां सुनते हैं व्हाट्सएप पे आती रोज आती है वो एक तरफ है, लेकिन कुछ सॉलिड बम आने चाहिए उसके साथ, तब जाके आपका जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट लोगों को यहां हिट करता है। सी वॉज राइट, देखो कितना फैक्चुअल बात कर रहा था। तो तीन चीजें हम इसको इधर, मुझे ये चलाना किधर है, इधर किधर है, हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो साथियों पहले थोड़ा सा समझते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, पहले मैंने बात की है 2.5 साल पहले, भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे अच्छा देश क्यों है, क्यों है? क्योंकि ये देश एक ग्रोइंग कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहां है? इंडिया, चाइना। अरे देश भर छोड़ो, अभी भारत नहीं है, चाइना है। तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, थोड़ी सी जगह बनाओ ना यार, पीछे तक जाने की, जाएंगे कैसे पीछे तक, थोड़ा खिसक के यहां जगह दे दो ताकि पीछे निकल सके। तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना है, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इश्यू ये है, चाइना में भी हमने लॉन्च की, चाइनीज में जुड़ो जुड़ो दी। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का इश्यू ये है
कि वो कभी भी किसी भी कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है। जब उसने फेसबुक को बंद करके अपना फेसबुक निकाल दिया, वो कभी भी यूट्यूब को बंद कर देती है, उसका अपना पर्सनल व्हाट्सएप, आपको पता होना चाहिए चाइना में आपका व्हाट्सएप नहीं चलता है, वो चाइना का अपना पर्सनल व्हाट्सएप, ठीक है। तो चाइना में सब कंपनियों को डर लगता है, चाइना के बाद कौन सा देश बचा? भारत। तो वर्ल्ड में 130 करोड़ लोगों कितनी आबादी चल रही थी? 135। तो ये अभी 135 बोले, इतने में भी 300-400 पैदा हो गए बोलते बोलते। ये जो अभी हंसे हो इसमें भी 50 पैदा हो गए, इतना फास्ट प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। तो बड़े सपने वाले मेहनती लोग, तो सब लोग टीवी देख देख के सपना सबका बड़ा हो गया, सबको कितने लोग को गाड़ी चाहिए भाई? तो आपके पिताजी से पहले पूछना, तो जो गांव में पिताजी रहते थे उनके सपने में ना गाड़ी नहीं होती थी, है? कितने लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना है? अरे अपना ही हाथ से उठा लो, हो सकता है भगवान ऊपर से देख रहा हो, पड़ोसी के भरोसे आए हो सही बात। मैंने मैं डीएनए टेस्ट नहीं करा रहा हूं, मैं हाथ खाने के नाम से। तो साथियों अब क्या हो गया, टीवी देख देख के सबको बीवी करीना कपूर चाहिए? नहीं, वो तो थोड़ी पुरानी हो गई, अब दीपिका चाहिए, नहीं थोड़ा लेटेस्ट में और जानवी मानवी तक आ गया। तो वैसे वाली सबको बीवी चाहिए, वैसे ही सबको पति चाहिए, सबको कार चाहिए, सबको बंगले चाहिए, सबको वर्ल्ड टूर चाहिए, सबको ब्रांड चाहिए। तो सपना तो बड़ा हो गया, और इंडियन आदमी मेहनत करने के लिए जम के तैयार था। अपना इंडिया भी इतना बड़ा, देखो ये जो जुगाड़ शब्द है ना, ये इंडिया की वजह से डिक्शनरी में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जुगाड़ शब्द आ गया, ठीक है। जुगाड़ का अर्थ है किसी भी काम को कैसे भी करने की कला, ये हम ही लोग कर सकते हैं। अपना बस चले तो फ्लाइट में उड़ ले, नहीं तो फर्स्ट एसी में उड़ ले, चल जाए सेकंड में, चल जाए थर्ड में, चल जाए बाथरूम के बाहर चद्दर बिछा ले, एक सीट पे चार बैठ जाए और कुछ नहीं मिले तो दरवाजे पर लटक ले, और बिहार उत्तर प्रदेश हो तो छत पे भी बैठ ले। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड टाइम से दोस्तों।